मिस्र बहुत ही प्राचीन देश है। यहाँ के पिरामिडों की प्रसिद्धि और प्राचीनता के बारे में सभी जानते हैं। प्राचीन मिस्र नील नदी के किनारे बसा हुआ है। यह उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में गीजा और इजराइल, पूर्व में लाल सागर, पश्चिम में लीबिया एवं दक्षिण में सूडान से घिरा हुआ है। मिस्र प्राचीन सभ्यताओं वाला देश है। खासकर गीजा के पिरामिडों के आसपास बसे शहर को सबसे प्राचीन माना जाता है। यहाँ पर आपको मिस्र की प्राचीन सभ्यता के बारे में ऐसी जानकारी बताने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। मिस्र सभ्यता के लोग बालों से नफरत करते थे। उनके मुताबिक शरीर पर बाल होना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। मिस्र में मेकअप करना आवश्यक था। ये लोग सुरमा का प्रयोग करते थे। इनका मानना था कि सुरमा उन्हें सूर्य की किरणों, मक्खियों तथा हानिकारक संक्रमणों से बचाए रखता है। मिस्र के लोगों के लिए दांतों को साफ रखना इतना महत्वपूर्ण था कि वो मम्मियों को टूथपिक के साथ ही दफनाते थे। यह बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि मिस्र में राजाओं के मरने के बाद उनके नौकरों को भी उनके साथ जिंदा दफना दिया जाता था। पूरी दुनिया के विपरीत मिस्र की महिलाएं आजाद थी। वो जमीन खरीद सकती थी, जज बन सकती थी और अपनी वसीयत भी लिख सकती थी। मर्दों की तरह वो बाहर का काम भी करती थी जिसमें उन्हें वेतन दिया जाता था। मिस्र के निवासी गणित में काफी तेज होते थे। उनके द्वारा बनाई गई संरचनाओं से यह साबित होता है कि गणित और वास्तुकला में वो बहुत ही तेज और निपुण थे। प्राचीन मिस्र में बिल्लियों का एक अलग स्थान था। जब भी उनकी पालतू बिल्ली मर जाती थी तो वे बिल्लियों को मम्मी में दफनाते थे और उन्हें चूहे और एक कटोरी दूध के साथ भी दफनाया जाता था। मिस्र के डॉक्टर एक ही अंग का अध्ययन करते थे। प्राचीन मिस्र में एक चिकित्सक एक ही बीमारी का विशेषज्ञ था और उससे संबंधित इलाज ही करता था। उनके पास हर बीमारी के लिए अलग अलग चिकित्सक होता था। मिस्र पर जब फिरौन का शासनकाल था तब वहाँ की मुद्रा दारू हुआ करती थी। गर्भधारण से बचने के लिए प्राचीन मिस्रवासी मिट्टी, शहद और मगरमच्छ के गोबर का एक मिश्रण बनाते थे। उस मिश्रण को महिलाओं की योनि में डाल देते थे जिससे महिला गर्भवती नहीं होती थी।